हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा आफ्टर इफेक्ट का टॉपिक है कि हम लोग एक जो गोल्डन शाइनिंग है वो एक चाहे वो आपके लोगो पे हो, चाहे वो अपने कुछ टेस्ट वेयर पे हो, या फिर आपका किसी भी PNG कंटेंट हो उसके ऊपर हो, तो उस हम लोग उस टाइप को कैसे एक गोल्डन शाइनिंग बना सकते हैं। तो वीडियो पे नए हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज ध्यान रहे बेल आइकन को ऑन कर लें। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को करते हैं शुरू। तो मैंने यहाँ पे एक PNG फाइल दिया है इस टाइप से, ये पूरा का पूरा PNG है। तो आपने ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा अपने जो फाइल लेनी है वो PNG ही लेनी है। तो प्लीज इसको करें राइट क्लिक यहाँ से और एक सॉलिड बना लें इस टाइप की। तो सॉलिड बनाने के बाद यहां से आप करें FRACT, फैक्टर नॉइस को आप ड्रैग करें सॉलिड लेयर पे। तो कुछ का ऐसा आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आप बेसिक से चले जाएं इस पर और यहां से इसके कंट्रास्ट को आप बढ़ा दें थोड़ा, ठीक है, कुछ इस टाइप से, और थोड़े सी ब्राइटनेस को भी इंक्रीज कर दें। और यहां आप इसके साइज को इसका हाफ कर लें इस टाइप से, तो 3 हो गया, बेस्ट। एंड यहाँ पर जाएं आप और यहाँ पर आप इसको अनचेक करें एंड जो इसकी स्केलिंग है वो आउट आप कर दें 2500 ऐसा कुछ। तो आपके पास कुछ ऐसा इफेक्ट बन के आ जाएगा। अब इसको करते हैं रोटेट। तो रोटेशन के लिए मुझे यहाँ पे की फ्रेम लगाना पड़ेगा और मैं जाता हूँ यहाँ 10 सेकेंड्स में और इसको मैं करता हूँ 5050, राइट। तो मेरा कुछ रोटेशन प्ले करता हूँ तो मेरा रोटेशन कुछ इस टाइप से बन जाएगा, राइट। और अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर ऑफसेट के ऊपर भी की फ्रेम लगाते हैं। यहाँ से ऑफसेट पे मैंने की फ्रेम लगाया और यहाँ पर जाकर मैं इसकी वैल्यूज जो है वो अबाउट कर देता हूँ 2100, ठीक है। डिपेंड करता है इस वैल्यू ज्यादा भी कर सकते हैं इसकी स्पीड पे, और नो डाउट ये स्पीड ठीक है। ओके, तो ये मेरा कंप्लीट हो गया इस टाइप से, राइट। देन क्या करता हूँ, यहाँ इसको उठा के लाते हैं नीचे और हमारा जो डिजाइन है वो है ऊपर की साइड में, और यहाँ पर आप देखेंगे नो मैट। तो अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो रहा हो तो ये इस टाइप से आएगा, तो आप प्लीज इसको यहाँ टॉगल स्विच पे क्लिक करें तो आपके पास ये आ जाएगा। तो यहाँ से आपने इसको क्या करना है, फाइनल जो आपका PNG है उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे उसको सिलेक्ट करोगे तो आपकी क्या होगी, ये इस टाइप से PNG जो फाइल है वो इस टाइप से ये देखेंगे, राइट। तो अब मैं जाता हूँ यहाँ से इफेक्ट एंड प्रीसेट के अंदर और मैं CC ग्लास सर्च करता हूँ, CC ग्लास। ओके, तो CC ग्लास सर्च किया और सिंपली ड्रैग कर दिया जो मैंने नीचे वाली लहर है इसके ऊपर इस टाइप से। तो यहां से मैं इसके सरफेस में जाऊंगा। सरफेस में जाने के बाद में यहां पर मैं इसकी कुछ वैल्यू चेंज करता हूँ, जैसे सॉफ्टनेस है तो हम लोग इसको बढ़ाकर कर देते हैं 65 और जो हाइट है इसको 100 कर दो आप, एंड जो ये यहां पर आप कर दो 500, राइट। तो आपके पास कुछ ऐसा आ गया। उसके बाद में CC ग्लास के बाद में आप CC ब्लॉबिलाइज में चले जाओ, ये भी आप यहां पर ट्रैक कर दो। तो ड्रैग करने के बाद आप इसकी प्रॉपर्टी में जाओ नीचे सबसे पहले, तो यहां से सबसे पहले इसको जो इमेजेस हैं वो यहां से ये इमेज फाइनल करनी है, और सॉरी यहां से भी आपको ये वाली इमेज फाइनल करनी है, राइट। तो ये उसके बाद में यहां पर जाने के बाद जो सॉफ्टनेस है आप इसका हाफ कर दो 10 एंड जो कटवे है वो कर दें आप इसका 1 इस टाइप से, और जो लाइट्स है यहां से जाकर आप इसकी लाइट्स को है पॉइंट लाइट में चेंज कर दें, राइट। और पॉइंट लाइट को अगर आप कहीं भी मूवमेंट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, ओके। देन ओके, तो अभी आपके पास कुछ ऐसा ये बन के आ गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहां पर राइट क्लिक करके न्यू एडजस्टमेंट लेयर बनाता हूँ यहां से एक। तो मेरे पास एडजस्टमेंट लेयर है, ये मेक श्योर कि इस एडजस्टमेंट लेयर को आप सबसे ऊपर रखें, ठीक है। और यहां से आप सर्च करें CURVE कर्व, तो इस टाइप से कर्व सर्च करेंगे और यहां पर आप इसको ट्रैक कर देंगे। ट्रैक करने के बाद यहां से आप
चलिए रेड कलर को सिलेक्ट करेंगे। बेसिकली जो जो कर्व टूल है वो कलर कलेक्शन के लिए काम आता है, तो रेड टूल हमने रेड किया और इसको थोड़ा सा मैं इस साइड से लेके जाता हूँ येट, ठीक है। और देन उसके बाद मैं ग्रीन सर्च करता हूँ, ग्रीन को थोड़ा सा ऊपर इस टाइप से, ओके गुड। एंड इसके बाद मैं जो ब्लू है ब्लू को साइज को मैं थोड़ा इंक्रीज करता हूँ नीचे की साइड में। और ये जो आरजीबी कलर होता है इसको आप डार्क और लाइट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, है कि आप चेक करेंगे तो डार्क लाइट या ब्लू हो जाएगा आपका, ठीक है। और लेट्स गो, ओके। तो आपका जो है एक गोल्डन जो है लाइनिंग बन जाएगी, तो इसी लाइन को आप, इसी चीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। कहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं इसको? अपनी किसी टेस्ट के ऊपर या किसी, तो इस टाइप से आप इसको बना सकते हैं, सिंपल वे है। के ऊपर आप थोड़ा ग्लो डालना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एडजस्टमेंट लेयर पे थोड़े से ग्लो डालेंगे तो आपका कुछ इस टाइप से बन जाएगा। बट आई थिंक ग्लो अच्छा नहीं लग रहा, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि ग्लो आप इस पे ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से अच्छा सा गोल्डन इफेक्ट बना सकते हैं, वो भी 3 मिनट के अंदर, ओके। तो यहां से इसको हम लोग बंद करें, उसके बाद में अगर आप इसको लोगों के ऊपर भी अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप अपना नाम लिखें, नाम के ऊपर अप्लाई करना चाहें तो इसके ऊपर भी कर सकते हैं, और उसके लिए हमने अलग से कुछ अलग से। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट भी करें। और नेक्स्ट क्या टॉपिक होना चाहिए, मैं बाहर वीडियो में बोलता हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होना चाहिए, तो वो भी प्लीज उसको भी अपडेट करें और उसके ऊपर कमेंट करें कि हाँ नया टॉपिक मुझे, हमें ये चाहिए। तो मिलते हैं किसी ऐसी अच्छी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।